एक बार एक सुनार की मृत्यु के बाद उसका खानदान मुसीबत में पड़ गया और उसके पूरे परिवार को भोजन के भी लाले पड़ गए। एक दिन मृत सुनार की पत्नी ने अपने बेटे को नीलम का एक हार देकर कहा, बेटा इसे अपने चाचा की दुकान पर ले जाओ, कहना ये बेचकर कुछ पैसे दे दें। बेटा वो हार लेकर अपने चाचा के पास गया। चाचा ने हार को अच्छी तरह देख और परख कर कहा, बेटा मां से कहना कि अभी मार्केट बहुत मंदा है, थोड़ा रुक कर बेचने बोलना, अच्छे दाम मिलेंगे। फिर उसे थोड़े से रुपये देकर कहा कि तुम कल से मेरे दुकान पर आकर बैठना। अगले दिन से वो लड़का रोज दुकान पर जाने लगा। कुछ ही दिनों में वो बड़ा माहिर बन गया। एक दिन उसके चाचा ने कहा, बेटा अपनी मां से वो हार लेकर आना और कहना कि अब मार्केट में बहुत तेजी है, उसके अच्छे दाम मिल जाएंगे। दूसरे दिन मां से हार लेकर जब लड़के ने उसे परखा तो पाया कि वो तो नकली है। फिर उसने हार को घर पर ही छोड़ दिया और दुकान लौट आया। चाचा ने पूछा, हार नहीं लाए? उसने कहा, वो तो नकली था। तब चाचा ने कहा, जब तुम पहली बार उस हार को लेकर आए थे तो उस वक्त अगर मैंने उसे नकली बता दिया होता तो तुम सोचते कि आज हम पर बुरा वक्त आया तो चाचा हमारी चीज को भी जाली बताने लगे। आज जब तुम्हें खुद ज्ञान हो गया तो पता चल गया कि हार नकली है। निष्कर्ष, सच तो यही है कि ज्ञान के बगैर इस दुनिया में ऐसे ही गलत फहमी का शिकार होकर पारिवारिक और बेहद करीबी के रिश्ते बिगड़ जाते हैं।